हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर अदर वीडियो एंड आई एम योर फार्मासिस्ट फ्रेंड सचिन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए मेडिसिन की, जिसका नाम है दोस्तों बीकासूल, जो कि कैप्सूल के फॉर्म में आपको सभी मेडिकल शॉप में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में जानेंगे हम बीकासूल के क्या यूजेस होते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको इस टैबलेट को लेने के बाद, और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल पे जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाओ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकासूल कैप्सूल की। तो बीकासूल कैप्सूल की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है जब भी मुँह में छाले हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम लोग बीकासूल कैप्सूल लेते हैं। तो दोस्तों, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में माउथ अल्सर्स बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके और भी कई सारे वर्क होते हैं, जैसे कि अगर आपको जख्म हो गया हो, अगर चोट लग गई हो या जख्म हो गया हो, तो बीकासूल लेने से वो जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। मतलब कि ये टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले हैं या आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, मतलब कि बालों से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उसमें भी बीकासूल अच्छा वर्क करता है। तो दोस्तों, बात करें बीकासूल की, तो इसमें आपको कई तरीके के मल्टी विटामिन देखने को मिलते हैं, और जिसमें कि जैसे मैं एग्जांपल दूं तो इसमें B1, B2, B3, B6, B9 और B12 जैसे मल्टी विटामिन देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके का ये मल्टी विटामिन फॉर्मूला है, बी कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी, B1, B2, B3, B6 और B9 और B12 ये सभी कॉम्पोजिशन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, बात करें विटामिन B9 की, तो विटामिन B9 जो है उसका काम होता है दोस्तों, हेयर फॉलिकल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें ये अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको विटामिन सी देखने को मिलता है और कैल्शियम पेंटोथेनेट देखने को मिलता है। तो ये सभी बेस्ट हैं अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या हेयर लॉस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो बीकासूल बढ़िया काम करेगा, जो कि कैप्सूल के फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब कैप्सूल और टैबलेट्स में ये डिफरेंस होता है दोस्तों कि कैप्सूल को आप आसानी से निगल सकते हैं थ्रू योर माउथ, और वहीं टैबलेट की बात करूँ तो टैबलेट अगर आप मुंह में रखेंगे तो वो कड़वाहटपना उसमें रहता है दोस्तों। तो की इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो जैसा मैंने बताया, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 जैसे B12 जैसे इसमें कई सारे बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है दोस्तों। तो ज़्यादातर इसका यूज़ होता है मुंह के छालों के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, और आप रोज़ एक कैप्सूल ले सकते हो अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस कैप्सूल को रोज़ एक ले सकते हैं, एक या दो कैप्सूल ले सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्दी डाइट लें और उसके साथ में ये कैप्सूल लें, तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, एवरीथिंग। इस कैप्सूल में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, तो आप इस कैप्सूल को रोज़ ले सकते हो। ये सेफ़ मेडिसिन है, तो ईज़िली आप सभी मार्केट स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं एट द ₹47 की MRP पे आपको 20 कैप्सूल्स देखने को मिलेंगे। ये 20 कैप्सूल्स की स्ट्रिप आती है दोस्तों। तो जानकारी अगर पसंद आई हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो इतना ही है इस मेडिसिन के बारे में। मिलेंगे अगली वीडियो में हम लोग अगली न्यू मेडिसिन को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।